वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद मी में। और अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ, वैकेंसी आ रही है रिक्रूटमेंट ऑफ अकाउंट अप्रेंटिस फुल टाइम के लिए, याद रखिए अप्रेंटिस के बाद में इसमें जॉब मिलेगी, पूरी पूरी संभावना रहेंगी। और वैकेंसी किसमें है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये जो प्रिंट छोटा है, थोड़ा इन्होंने ही प्रिंट छोटा डाल रखा है, हमने इसे जितना जूम कर पाया उतना जूम किया है। तो आगे हम देखते हैं ये वैकेंसी किसमें, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, ठीक है। तो इसमें वैकेंसी किसकी आ रखी है, 150 अकाउंट अप्रेंटिस की आ रखी है। पहले आपकी एक साल और क्रमशः दो साल की, ये पहले एक साल फिर एक साल की और है, तो टोटल दो साल की अप्रेंटिसशिप है, देन आफ्टर आपको जॉब मिलेगी। और ये जो अप्रेंटिसशिप है इसमें भी बड़ा तगड़ा पैसा दे रहा है, तगड़ा का मतलब ये है करीब करीब 25 से 27 हज़ार रुपये पर मंथ की आपको, जिसे स्कॉलरशिप नहीं होती वैसे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में क्या वैकेंसी आ रही है देखेंगे हम। इससे पहले कि हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जान लें, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म कब शुरू, 13 नवंबर से शुरू, खत्म है कब से, 27 नवंबर को। 27 नवंबर का मतलब है ज़्यादा दिन नहीं है, 13 से 27 मतलब कि करीब करीब 15 दिन आपको दिए या उससे भी कम। तो आप जल्दी जल्दी इसमें एप्लीकेशन भर सकते हैं अगर आप इसमें भरना चाहें, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए एडिट और ऑनलाइन जो आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर या जनवरी 2019 में ये कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इन्होंने गलत लिख रखा है, दिसंबर जो है ना 2018 के और जनवरी 2019 की जनवरी में एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। कॉल लेटर कब से शुरू हो जाएंगे, 10 दिन पहले, मतलब अगर एग्जाम ये लोग दिसंबर में कराते तो उसके 10 दिन पहले करीब करीब कॉल लेटर आपके आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कॉल लेटर्स के लिए आप इसकी वेबसाइट जो है उस पर भी जा सकते हैं। हम वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं, टोटल 150 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड दिस। आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसे डिटेल में देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है, आपके सामने सारे स्टेट और उनकी क्रमशः वैकेंसी। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या जिस स्टेट से फॉर्म भरना चाहें आप उस स्टेट में देख लीजिए। आगे देखते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। कौन कौन लोग इसके लिए एप्लीकेबल है, आप भारत के नागरिक होना चाहिए या नेपाल भूटान या वगैरह, आप भारत के नागरिक हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सर्विस कंडीशन क्या है, आपके दो साल की अभी आपके लिए बेसिक पे लिया जा रहा है, आपकी ये अप्रेंटिसशिप अभी चलेगी, फिर इसके बाद आपको इसी में जॉब मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है। अप्रेंटिसशिप बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, आगे देखेंगे हम थोड़ा सा। अब देखो पर मंथ जॉब का फर्स्ट ईयर चलेगा तो आपको 25,000 रुपये पर मंथ एक अच्छी सैलरी टाइप की आपको मिल रही है, ठीक है। एंड मेडिकल कवरेज करीब करीब इनका 3 लाख का कुछ मेडिकल कवरेज है, वो आपको अलग से दिया जाएगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर में जब आप आ जाएंगे तो 30,000 रुपये पर मंथ की आपको सैलरी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना, आप जब दोनों साल पूरे हो जाएंगे अगर आप इसी में जॉब करते हैं तो आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। आगे देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, 60% मार्क के साथ में होना चाहिए अगर आप जनरल और ओबीसी में हैं। मिनिमम ग्रेजुएट इन कॉमर्स, आपको कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए 60% के साथ में, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क की जरूरत है, ज़्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं है। आगे देखें मस्ट क्वालिफाइड, इसके साथ आपको ये चीज़ भी, चार्टर्ड अकाउंट एग्जामिनेशन कंफर्म बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको सीए का एग्जामिनेशन जो होता है वो आपको क्लियर हो रखा होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वालिफाइड होना चाहिए इसमें इंटरमीडिएट लेवल का, ठीक है। इसके बाद आपको क्या होना चाहिए, या फिर कोई ये चीज़ मस्ट है क्वालिफाइड इंटरमीडिएट लेवल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एग्जामिनेशन, ये पास होना चाहिए, या फिर आपने MBA कर रखा और UGC किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से आपने MBA कर रखा हो तो आप अप्लीकेबल कर सकते हैं। और तीसरा वाला UGC नेट से, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स में अगर आपने ले रखी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आप कॉमर्स हैं तो आपको CA वगैरह की इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने मैनेजमेंट में कोई आपने कर रखा है UGC नेट के थ्रू MBA कर रखा है तो भी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं CA की। तो मतलब मैनेजमेंट की कोई ना कोई आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कॉमर्स से रिलेटेड अगर है तो भी काम चलने वाला है। आगे देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे आराम से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। हम समय को थोड़ा महत्व को रखते हुए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, हम आपको शॉर्ट में सारी डिटेल बताने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, एज की बात कर लेते हैं कि आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। 21 से 27 साल आपकी उम्र सीमा हो जाए, एक एज आपकी जो है वो काउंट होगी 1 नवंबर से। कब से, 1 नवंबर से, 1 नवंबर से आपकी उम्र काउंट की जाएगी, 21 से 27 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST होगी, बैकवर्ड क्लासेस OBC होगी, फिजिकल हैंडीकैप्ड होगा, तो आपको रेस्पेक्टिव एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। ये दिखाया गया कि जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए कैसा क्या रिजर्वेशन का प्रावधान है, हम इससे आगे चलते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस और कैंडिडेट हम आगे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसका, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, आपका ऑनलाइन एक एग्जाम होगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव होगा 200 नंबर का होगा। आगे देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव एग्जाम 3 घंटे का आपका होगा, 5 सेक्शन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, मतलब 5 तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। नंबर एक पर आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। ये अकाउंट में अगर आपने कर रखा, कॉमर्स से कुछ किया है, अपने BA या कॉमर्स से कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी डिग्री ली, तो आपको अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है, तो उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। आपका जो सब्जेक्ट पढ़ रखा है, ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में रेस्पेक्टिवली। आगे देखें, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, क्वालिटी एप्टीट्यूड बोलते हैं गणित को, सिंपल गणित आपसे पूछी जाएगी और जनरल कंप्यूटर नॉलेज, इसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके अकाउंटिंग वाले से, जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में सीख रखा, बाकी आप देख सकते हैं इतने इतने हैं और टोटल मार्क्स इसमें दे रखे हैं। और दोनों बाइलिंगुअल में आपका पेपर होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका पेपर प्रिंट होगा, आप जिसमें आप उचित समझे उसमें आप दे सकते हैं। 180 मिनट का टोटल एग्जाम होगा। ठीक है, 6 × 18 बोले तो 3 घंटे का, बात समझ गया। आगे देखते हैं, घंटे गलत लिखा था, सही लिख दिया, आगे देखते हैं। ठीक है, ये कंपनी के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, रॉन्ग आंसर आप करेंगे तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्किंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, ईच क्वेश्चन में रॉन्ग आंसर गिवन बाई द 1/4, मतलब कि अगर एक नंबर सही भी मिलता है तो आपको 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, मतलब कि 1/4 जिसे कहते हैं 1/4 काट लिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग इसमें है, तो आप ध्यान से उत्तरों में टिक कीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिटर्न वाला काम। ठीक है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको जो है ना ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ लेके आपको जानी पड़ेगी, जहाँ आपका सेंटर पड़े वहाँ पर। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम जाने के आपको ये लोग कोई पैसा नहीं देंगे, आप ऐसा कहें कि यहाँ पर एग्जाम सेंटर पड़ा है हमें इतने पैसे दीजिए तो ट्रेन कर जो, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला, और इनमें से कोई एक चीज़ लेके जाएगा। फिर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ये लोग कराएंगे, और उसमें राशन कार्ड अलाउड नहीं किया इन्होंने। आगे देख लेते हैं हम थोड़ा जरूरी जरूरी बातें क्या हैं। ठीक है, फिर जब आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, जब इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ जाए तो आप इंटरव्यू फिर उसके बाद दे दीजिएगा। इंटरव्यू देने के बाद फिर एक मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी, और मेरिट लिस्ट क्या हो जाएगी, मेरिट लिस्ट में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप दे देते हैं और इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, दोनों में पास होने के बाद आपको जो है ना एक नियुक्ति पत्र मिलेगा जिसे कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर, सबको अच्छा लगता है, फिर उसके बाद आप जॉब मतलब अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, फिर उसके 2 साल के बाद आप इसमें जॉब कर पाएंगे। तो हम फॉर्म फीस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि अभी तक नहीं किया हमने, देख लीजिए 600 रुपये लगने वाले हैं, किससे ये 600 रुपये लगेंगे, जो कैंडिडेट है मान लो जनरल एंड ओबीसी, ठीक है, जनरल और ओबीसी वाले से 600 रुपये और बाकी एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप से 100 रुपये। तो ध्यान रखिएगा, जनरल ओबीसी 600 रुपये, एससी एसटी वालों से 100 रुपये। ठीक है, तो हमने अब इस एग्जाम में सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, ये एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम आंध्र प्रदेश में यहाँ, असम में यहाँ, अरुणाचल, ये भी दिखा देता हूँ, कई बच्चे अपना देख लें कहाँ कहाँ, दिल्ली एनसीआर में कहाँ कहाँ पड़ेगा, गुजरात हरियाणा, ठीक है, कर्नाटका केरला, ठीक है, तो हमने सारी जगह आपको दिखा दिया कहाँ कहाँ ये चीज़ पढ़ने वाली है। अब आगे देख लो थोड़ा सा और एग्जाम सेंटर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर वगैरह, पांडिचेरी वगैरह, ठीक है, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना के यहाँ काल से आपके ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा वो पढ़ेंगे। ठीक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उत्तराखंड में क्रमशः। तो हमने मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर ली। तो ये था फॉर्म आपका, पहले इसमें क्या कराएंगे, अप्रेंटिसशिप कराएंगे आपसे, 2 साल की अप्रेंटिसशिप, पहले साल में 25,000 रुपये पर मंथ, दूसरे साल में 27,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी देंगे, फिर इसके बाद में जब आप पास हो जाएंगे फिर आपको पूरी सैलरी वगैरह ये लोग देंगे, बाकी इसके अलावा जो डी ए वगैरह मिलता है, जो आपको एच आर ए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस और कंपनी का अलग बेनिफिट, जो मेडिकल क्लेम की पॉलिसी होती है वो आपको अलग से दी जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद सैलरी आपकी करीब करीब शुरुआत होगी आपकी 35,000 रुपये पर मंथ से लगा के 45,000 रुपये पर मंथ के आसपास से आपकी सैलरी की स्टार्टिंग होगी पर मंथ। तो हमने मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर ली, अगर आप कुछ और जानना सोचना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका कमेंट बॉक्स में हार्दिक स्वागत है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई शेयर करना सीख लो, शेयर करना बहुत ज़रूरी, ताकि आपके जैसे बच्चों को और लोगों को ऐसे वीडियो पहुंच पाएँ, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने कुछ ऐसी डिग्री ले रखी, वो इस क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें वैकेंसी के बारे में पता नहीं लगता, कम से कम आप ही के जा रहे हैं, आपने अपने व्हाट्सएप पर जाइए और जैसे ही व्हाट्सएप पर देख रहे होंगे, आपने YouTube पर वीडियो देखा, उसके नीचे शेयर का लिंक होता है, जब आप शेयर पर क्लिक करेंगे उसके जरिए आप WhatsApp पर जाएंगे, WhatsApp पर अपने ग्रुप में जरूर इसे शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।